एक्स्ट्रा टाइम। किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए जो भारत में क्रिकेट खेलता है उसके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उसके दो कारण है, एक ये कि आज डोमेस्टिक सीजन अनाउंस हो गया और दूसरा ये कि उनकी सैलरी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा खुशी की बात तो और कोई हो नहीं सकती, बट इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव, मेरा नाम है अभिषेक एंड आई एम जॉइंड बाय अनदर अभिषेक, मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी जो कि स्पोर्ट्स एडिटर है दैनिक जागरण के। कैसे आप दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऑफ कोर्स देवाशीष सेन, हमारे पुराने कर्ता धरता। क्या हाल है आपके देवाशीष दा? चल रहा है अभिषेक, बढ़िया, थैंक यू। राइट, अच्छा ये स्टोरी जो है ये ब्रेक तो अभिषेक भाई साहब ने की थी, तो भैया आप ही बता दीजिए क्या है डिटेल्स, क्या हो रहा है आगे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इस सीजन। हां, आज हम लोगों ने स्टोरी दैनिक जागरण में पब्लिश की जिसमें बताया गया कि बीसीसीआई अपना पूरा टूर्नामेंट, घरेलू टूर्नामेंट जो है वो करेगा, ईरानी ट्रॉफी और ट्रॉफी को छोड़ के बाकी सारे टूर्नामेंट वो आयोजित करेगा। आज उन्होंने अपना अनाउंसमेंट भी कर दिया है, आधिकारिक तौर पर उनका मेल आ गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, रणजी ट्रॉफी 16 नवंबर से स्टार्ट होगी और विजय हजारे ट्रॉफी 23 फरवरी से स्टार्ट होगी अगले साल। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि घरेलू क्रिकेट वापस बैक ट्रैक आ रहा है। पिछले साल से दो टूर्नामेंट हो पाए थे, बीसीसीआई चाहता था बाकी टूर्नामेंट आयोजित करे लेकिन घरेलू क्रिकेटरों को बहुत नुकसान हुआ, खासतौर से उनको बहुत नुकसान हुआ जो अंडर 23 में लास्ट ईयर पे थे, जिन जो अंडर 19 में लास्ट ईयर पे थे, जो अंडर 16 पे लास्ट ईयर पे थे, उनके लिए एक टूर्नामेंट उनके हाथ से निकल गया, खासतौर से अंडर 23 के लिए जिसमें जिन लोगों जो जो क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जिन्हें अंडर 23 के लास्ट ईयर में खेलने का चांस था और उनको मौका नहीं मिला। तो उसके बाद रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ये भी चाह रहा था कि बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स को एक एक साल का लेवरेज देता कि उनका एक साल अगर नुकसान हुआ है तो उन्हें एक साल किसी तरीके से उनका अगर वो उसको किसी तरीके से करते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ये अच्छा है कि इन्होंने अनाउंस कर दिया पूरा। बहुत बढ़िया देवाशीष, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है वो है कि पर्स जो है वो मोटा हो गया प्लेयर्स के लिए जो कि होना भी चाहिए था, उसमें क्या चेंजेस हुए वो प्लीज बताइए। ये खबर भी तो अभिषेक ने ही ब्रेक किया, राइट, मगर टेकिंग द परमिशन ऑफ अभिषेक, ये बहुत खुशी की बात है, मगर अभी भी शायद ये ऑफिशियल हो गया अभिषेक, क्या इसमें अभी दो दिन मीटिंग हुई है मुंबई में बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की, उसमें आपके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली थे, सेक्रेटरी जय शाह थे और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी थे और कोषाध्यक्ष थे प्रजराज थे धूमल साहब, तो इन लोगों के बीच में काफी मीटिंग हुई और इन्होंने मेन मुद्दा ये था कि घरेलू क्रिकेट को और कैसे आगे ले जाया जाए, और पिछले साल घरेलू क्रिकेट कहीं हुआ है तो उसमें जो क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, तो उनको कैसे मोराल बूस्ट किया जाए और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रस्ताव आया है उसमें कि दो तरीके से सीनियर मेंस क्रिकेटरों को पेमेंट की जाएगी, अभी ये प्रस्ताव है 99% ये अप्रूव भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अभी प्रस्ताव ये है कि अभी जो है हर क्रिकेटर को 35,000 रुपीज पर डे मिलता है पुरुष क्रिकेटर को, सीनियर को, तो नया प्रस्ताव आया उसमें ये है कि जिसने 20 से कम घरेलू मैच खेले हैं उनको 35,000 की जगह 45,000 पर डे हो जाएगा और जिन्होंने 20 या उससे ज्यादा घरेलू मैच खेले हैं उनको 60,000 पर डे मिलेगा। यानी आप रणजी मैच अगर 4 दिन खेलते हैं तो आपको 2,40,000 रुपए मिलेगा, आप वनडे और T20 खेलते हैं तो आपको 60,000 रुपीज पर डे मिलेगा सीनियर प्लेयर्स को, और जो 20 से कम मैच खेले हुए होंगे उनको 45,000 मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है और जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत जरूरी भी होता है देवाशीष था फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक प्लेयर बहुत सारी चीजें लेकर साथ चलता है किसी भी चीज में, अगर करियर बनाना हो तो आपको 100% देना पड़ता है और उसके बाद अगर आपको उससे पक्का रिवॉर्ड्स ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाती है चीजें कि आप आगे क्या करें, मेंटली भी बड़े
यू आर लॉस्ट एवरीवेयर। देखिए ये तो एक तो एकदम सही है, क्योंकि देखिए सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर रोटी रोजी है वो क्रिकेट से ही होता है, रोजगार होता है। तो इनमें अगर आप एक साल क्रिकेट नहीं हुआ, मानो कि एक क्रिकेटर का कितना दिन का करियर होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, मतलब वो 10 साल में जो कमा सकता है कमा सकता है, क्योंकि इंडिया का सारे क्रिकेटर्स तो आईपीएल नहीं खेलता है, सारे क्रिकेटर्स क्योंकि वही चुने गिने चुने क्रिकेटर्स ही आईपीएल में मौका मिलता है, मगर इंडिया में कितने 100 से अधिक क्रिकेटर्स जो आईपीएल नहीं खेलते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, जो लाइफलाइन है, आप इस पे गौर कीजिए, जो लाइफलाइन है इंडियन क्रिकेट का वो है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, जो यानी कि रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी, घरेलू क्रिकेट जो खेलता है, तो उसका अगर लाइफलाइन, उसका अगर आप वो पेमेंट अगर रोक दिया जाए, अगर उसका, क्योंकि पिछले एक सीजन आप वी कैनॉट ब्लेम बीसीसीआई एज वेल, यहाँ पे बीसीसीआई को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देखिए कोविड के चलते उनको ये मैच रद्द करना पड़ा, ये सीजन रद्द करना पड़ा। तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए क्योंकि उनके लिए भी अच्छी है, मगर और एक चीज अभिषेक, ये अभिषेक और थोड़ा डिटेल्स बता सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात ये है कि देखिए कि जो प्लेयर्स खेलेगा उसी को मिलेगा 60,000 रुपया या 45,000 रुपया, मतलब एक टीम में कितना सदस्य होता है, 15 या 16, मतलब बाकी 5 क्रिकेटर्स को वो सैलरी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने का उसी को मिलेगा पैसा। और एक बात और एक चीज जो डिबेटेबल था वो था क्या ये क्रिकेटर्स का पेमेंट को लेके कॉन्ट्रैक्ट का भी एक चर्चा हो रही थी पिछले कई महीनों से, क्या उसमें कोई अपडेट है, कोई डेवलपमेंट है अभिषेक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर कोई बात आगे बढ़ी है। अभी सिर्फ दो मुद्दों पे बीसीसीआई काम कर रहा है, एक कमेटी बनाकर जो लास्ट ईयर का जो हरजाना कैसे, जो बीसीसीआई ने कहा था कि जो क्रिकेट नहीं हुआ उसमें हम जो है हरजाना क्रिकेटरों को देंगे, तो उसको किस तरीके से किया जाए इसको लेके एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी उस पर सुझाव देगी, उस पर वो पेमेंट होगी। और दूसरा ये प्रस्ताव आया है कि आगे का पेमेंट कैसा होगा, तो उसमें ये जो भी जो ऑफिशियल थे, 4 ऑफिशियल थे, उनको सबसे अच्छा प्रस्ताव यही लगा है कि 45,000 per day फॉर 20 प्लेयर कम खेलने वाले, 20 से कम मैच खेलने वाले, और 60,000 20 से ज्यादा मैच खेलने वाले। अभी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बात हुई है कि नहीं हुई है ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर हुई होती तो शायद मुझे पता चलता। तो ये स्ट्रक्चर अगर बीसीसीआई इस सीजन की अगर बात करें, सीजन की शुरुआत बीसीसीआई ने लेडीज फर्स्ट पॉलिसी अपनाई और पहले वेमेंस के ही टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसके पीछे कोई खास वजह या एक स्ट्रक्चर है जो हमेशा फॉलो होता है? नहीं, जो एक्चुअल प्लान था, जो मेरे पास प्रपोजल पड़ा हुआ भी है बीसीसीआई ने, जो कल तक का जो उनका प्रपोजल बना रखा था उन्होंने, जो मुझे याद मेरे पास आया था, उसमें यह था कि पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू होगी, लेकिन फिर शायद मेरी खबर छपने के बाद शायद कुछ चेंज किया उन्होंने, या क्योंकि उन्हें भी दिखाना होता है कि नहीं देखिए वो कुछ चेंज है इसमें, तो हो सकता है या कोई और चीजें होंगी, कुछ उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं, 2 दिन आगे किया, 2 दिन पीछे किया, डेट कुछ चेंज की है, तो वो है उनका, इसमें ऐसे कोई लेडीज फर्स्ट वाली पॉलिसी उनकी नहीं है। कुछ टूर्नामेंट शायद आ रहे होंगे या ऊपर से किसी ने सुझाव दिया होगा कि इसको चेंज कर दो, तो वो चेंज जाएगा, क्योंकि पहले जो प्रपोजल था उसके हिसाब से मेरे पास रखा हुआ है वो प्रपोजल, उसकी पीडीएफ फाइल, तो उसमें यही था कि उसमें उन्होंने 2 प्रपोजल बनाए थे, एक पेंडेमिक सिचुएशन पे और एक नॉन पेंडेमिक सिचुएशन पे। अगर आप पेंडेमिक सिचुएशन रहती है तब तक तो हम कैसे क्रिकेट कराएंगे, घरेलू क्रिकेट, और अगर नॉन पेंडेमिक सिचुएशन रहती है तो हम घरेलू क्रिकेट कैसे कराएंगे। नॉन पेंडेमिक सिचुएशन में कम ग्रुप बनाए गए थे हर वर्ग में, अंडर 19 अंडर 23 रणजी, और पैंडेमिक सिचुएशन में ज्यादा ग्रुप बनाकर वो किया था, लेकिन आज जो अनाउंस हुआ है वो पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए जो इन्होंने प्लान बनाया था उसी को थोड़ा बहुत रिसफल करके और अपडेट करके उन्होंने प्लान भेजा।
देवर्षिता, कौन से प्लेयर्स पे फोकस रहेगा इस बार के रणजी ट्रॉफी सीजन में, कंसिडरिंग कि थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत गैप जो है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो वहां दिखे हैं, तो मे बी हो सकता है कुछ प्लेयर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सच तो वो जगह दिखती नहीं। देखिए आप अगर कहते हो तो पहला नाम जो आएगा जयदेव उनादकट का, इतना शानदार प्रदर्शन करते के पड़ने के बावजूद भी उसको मौका नहीं मिला, पहला 20 क्रिकेटर में, देश का पहला 20 क्रिकेटर में उनको शामिल नहीं किया, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर अगर किसी का नाम सबसे पहले आता था, आना चाहिए था, वो था जयदेव उनादकट, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 सीजन डोमेस्टिक आईपीएल का प्रदर्शन में छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि आईपीएल प्रदर्शन का टीम को टेस्ट टीम में शामिल नहीं होता है। तो देखिए जयदेव उनादकट का जो प्रदर्शन रहा डोमेस्टिक क्रिकेट के, उसके चलते उसको ऑब्वियसली ही विल फील लेट डाउन, क्योंकि सिलेक्टर्स ने उसके साथ, मैं जरूर ये मानना चाहिए कि उसके साथ नाइंसाफी हुआ। और एक क्रिकेटर के मैं नाम करना चाहेंगे, जैसे कि प्रियांक पंचाल, पिछले कई सीजन से बहुत लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। तो देखिए इन सब क्रिकेटर्स के ऊपर फोकस रहेगा, मगर एंड ऑफ द डे अगर आप देखें कि प्रदर्शन करने के बावजूद अगर आपको जगह नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सब क्रिकेटर। जैसे कि हमारे साथ अभी मौजूद है बंगाल का जो कप्तान अनुष्टुप भी, तो अनुष्टुप बेहतर बोल सकेगा, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप परफॉर्म करते हो और उसके बाद अगर आपको मौका नहीं मिलता है, जैसे देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस करने के बाद ही अभी अभिमन्यु ईश्वरन को इंग्लैंड में 20 जो रिजर्व क्रिकेटर उनमें शामिल किया गया, तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि क्रिकेटर्स प्रदर्शन करेगा, अगर उनका कोई मोटिवेशन नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। राइट, तो वेलकमिंग अनुष्टुप्दा। अनुष्टुप्दा आई होप यू आर फाइन, अच्छे हैं आप आई होप, एंड अभी करंटली बंगाल के कैप्टन ही है रणजी ट्रॉफी टीम के। बीसीसीआई ने सीजन की पूरी लिस्ट जो है वो निकाल दी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन ऑफ कोर्स। एकदम एकदम, हां बहुत एक्साइटेड हूं मैं, और शायद सब प्लेयर ही एक्साइटेड होंगे, दो साल के बाद फिर से रणजी ट्रॉफी आ रहा है, फिर डोमेस्टिक सीजन आ रहा है, तो तैयारी शुरू करना पड़ेगी। अभी अभी सीएबी ने कुछ बोला नहीं अभी तक कब से क्या चालू होगा, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। अच्छा अगर आप, ये मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ, अगर आप बंगाल क्रिकेट बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो अनुष्टुप मजुमदार एक ऐसा नाम है जो भरोसे का नाम है, जब भी सिचुएशन डामाडोल हो कहीं से आते और कैसी ऐसी इनिंग से खेल जाते हैं कि बंगाल एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच जाती है, तो वो जर्नी के बारे में प्लीज बताइए लास्ट टाइम। एक्चुअली बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में थे कि हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर लास्ट दो मैच में अगर हम लोग फुल पॉइंट्स अगर नहीं लिया होता, लास्ट दो मैच था हम लोग का राजस्थान और पंजाब के बीच, और दोनों मैच में हम लोग का एकदम हम लोग बहुत पीछे था, उधर से हम लोग जीते, क्वालिफाई किए, फिर हम लोग क्वार्टर फाइनल में ऐसा थोड़ा लग रहा था उड़ीसा के अगेंस्ट इजीली हम लोग जीत जाएंगे, ऐसा मतलब कोई सोच मतलब बोला नहीं ऐसे माइंड में ऐसा, लेकिन उधर भी सिचुएशन गड़बड़ हो गया, 54-5 हो गया था, फिर मैं और शाबाज ने अच्छा एक साझेदारी उधर पार्टनरशिप हुआ, एंड देन we entered in the semi-final, और semi-final में भी वैसे ही लगभग situation था, तो किस्मत हम लोग का अच्छा था, और उधर भी मेरा एक innings जो जीतने में help किया, मैच जीतने में help किया, यही सबसे अच्छी बात है, और बहुत अच्छा memorable innings भी है वो season का, और last year season नहीं हुआ, बहुत हम लोग का इच्छा था कि हम लोग लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले थे, ऑलमोस्ट क्लोज टू चैंपियन हो गए थे, 40 रन्स का पीछे रह गए थे, तो लास्ट ईयर नहीं हुआ तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फिर इस साल देखा आज ही बीसीसीआई ने पूरा शेड्यूल रिलीज किया है, तो उसी हिसाब से हम लोग का प्रैक्टिस और जैसा प्रिपरेशन वैसा चालू करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
अभिषेक भैया ये बताइए कि अभी तो विमेंस क्रिकेट को लेकर भी बीसीसीआई पहले से और ज्यादा सीरियस हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी सवा करीम साहब ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, तो उसको लेके और क्या चेंजेस कुछ है पाइपलाइन में, या अभी जो सारे चेंजेस हुए हैं उनका भी एक ग्रेडिंग सिस्टम बना है उस पर ही चलेगा? मुझे लगता है कि बीसीसीआई हमेशा वुमेन क्रिकेट को लेकर सीरियस रहा है। जब से वुमेन क्रिकेट उनके एजेंडे में आया है तब से वो उससे सीरियस है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन आप जब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उसको ज्यादा वेटेज मिलता ही मिलता है। अगर आपकी वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीतने लगेगी, आपकी वुमेन्स टीम भी अभी इंग्लैंड को हराने लगेगी, और आपकी वुमेन्स टीम से भी अच्छे परफॉर्मर निकलेंगे तो उनको और ज्यादा वेटेज मिलने लगेगा। यहाँ कोई मुझे लगता नहीं कि वुमेन्स और मेन्स को लेके अलग अलग कोई रीति नीति है, ये मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस को लेके नीति है। और जहाँ से ज्यादा पैसा आता है वहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च भी किया जाता है। अगर आपको पुरुष क्रिकेट या मेन्स क्रिकेट से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज्यादा खर्च भी करने पड़ेंगे। ये बिजनेस का एक मॉड्यूल है और इसी मॉड्यूल पे पूरी दुनिया चलती है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई सही ट्रैक पे है और जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए जो मैक्सिमम हो सकता है वो करने की कोशिश करता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जो फेमिनिज्म की बात करते हैं या जो उसकी बात करते हैं उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक है। राइट, देवाशीष दा, आपके व्यूज प्लीज। नहीं बिल्कुल, जैसे मैं बिल्कुल अभिषेक की बात से सहमत हूँ। देखिए, एक वुमेन्स क्रिकेट को लेके एक उत्साह आया था, एक इंटरेस्ट आया था, क्योंकि जब हम लोग ने फाइनल खेला था अगेंस्ट एमसीजी में, जब फाइनल खेला था बस वी लॉस्ट बाय अ विस्कर। मगर अगर ऐसे प्रदर्शन हम लोग करता रहा, क्योंकि देखिए पिछले 7 साल बाद हम लोग टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड में और वहां भी हम लोग का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। 7 क्रिकेटर ऐसा था जिनका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, और उनमें से जो हाल ही में जो सफाली वर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, या फिर आप हरमनप्रीत कौर ले लीजिए, या फिर आप किसी भी क्रिकेटर्स को ले लीजिए, वुमेन्स क्रिकेटर, तो देखिए ये अच्छी बात ये है कि देखिए बीसीसीआई भी इज पेइंग फुल अटेंशन टू वुमेन्स क्रिकेट, ये नहीं कि खाली मेन्स क्रिकेट पे फोकस किया है। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके भी वो लोग डे नाइट क्रिकेट खेलने वाला है, पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने वाला है, तो ये नहीं कि खाली। हाँ, मगर जैसे अभिषेक के बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने टेस्ट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इंग्लैंड को जीतने से रोका हम लोग ने लास्ट डे पे, हाँ, मगर हम लोग ने वनडे सीरीज में बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है अभी तक, क्योंकि 2 मैच ने इंग्लैंड ने पूरा डोमिनेट करके हम लोग को हराया। आज थर्ड मैच है, तो मगर इसके साथ में एक चीज बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए बीसीसीआई हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग वुमेन्स क्रिकेट, ये नहीं कि खाली मेन्स क्रिकेट के ध्यान देता है। ये एक गलत फहमी है लोगों में कि नहीं, द फोकस हैज ऑलवेज बीन टू डेवलप वुमेन्स क्रिकेट एज वेल, क्योंकि नहीं तो आज शेफाली वर्मा को हम देख नहीं पाते अगर हम लोग वुमेन्स क्रिकेट को स्ट्रेस नहीं करते तो। मगर मैं अनुष्टुप से मैं एक बात करना चाहता हूँ, अनुष्टुप को वो खुशखबरी मैंने सुबह ही दिया था, जब मैंने अभिषेक हमको जब मैसेज किया था कि देखो ये हमारा आज बाइलाइन है, तो मैंने अनुष्टुप को, अनुष्टुप हाउ डू यू लुक एट दिस, क्योंकि ये जो सैलरी कैप आप लोग को बढ़ाया गया, क्योंकि 35,000 से लेके 60,000 करने का जो सोच चल रहा है बीसीसीआई का अंदर, क्योंकि शायद हो भी जाएगा, तो इसको लेके क्या है, क्योंकि इज इट अ बिग बूस्ट फॉर यू क्रिकेटर्स लाइक यू जो आईपीएल नहीं खेलते हैं। एक टाइम पे आप आईपीएल खेला था 1-2 सीजन, मगर उसके बाद अभी आईपीएल भी नहीं खेलते हो आप, तो ये जो बूस्ट है फिनेंशियल बूस्ट, ये आप कैसे देखते हो? देखे, पैसा अगर किसी को भी मिले अच्छा ही लगेगा तो नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये मैं बोला था, मैं हम लोग का जो प्रेसिडेंट है उसको भी बोला था, जो महाराजा से बात हुआ था कि जो लोग आईपीएल नहीं खेल रहे तो वो लोग बाहर भी नहीं खेल सकते, मतलब इंडियन प्लेयर बाहर जाके T20 नहीं खेल सकते, तो वो लोग सिर्फ डोमेस्टिक ही है, डोमेस्टिक छोड़ के और कुछ नहीं है।
मतलब आईपीएल जो खेल रहा है, दो महीने में जितना भी फिनेंशियल उसका हो रहा है, और उसका 10% भी नहीं हो रहा है जो डोमेस्टिक खेल रहा है, और पूरा डोमेस्टिक पूरा सीजन का प्रिपरेशन और वो लोग वही करता है जो लोग आईपीएल नहीं खेलता है, और मॉनिटरी भी उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो बीसीसीआई एक बार बोला था, ये तो बहुत अच्छा है कि 35 से 60 हुआ था, बहुत ही हाइक हुआ, लगभग 200%। सो और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक सेकंड, आई थिंक पैसे बढ़े हैं ये सुन के वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया, उसका भी रूटीन चेंज हो गया उसके बाद। हाँ तो बोल रहा है पैसे बढ़ गया तो वो भी एक्साइटेड हो गया। हाँ सही बात है, राइट। तो मिस्टिक सीजन के लिए पूरा एकदम कंसंट्रेट करता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये इश्यू अगर पूरा इंप्लीमेंट होगा तो बहुत खुश होंगे हम लोग, राइट। एक चीज मैं अनुस्तुत आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सालों से आपने क्रिकेट खेला है, सारी चीजें इंप्रूव ही हो रही हैं, ये चीज अभिषेक भैया मैं आपसे भी पूछूंगा, सारी चीजें इंप्रूव हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट आपने देखा है पर्सनली इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, या रहने की जगह, या ग्राउंड कंडीशंस, प्रैक्टिस फैसिलिटीज, ये सारी चीज अपार्ट फ्रॉम द गेम? अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं डेब्यू किया था 2004 में, 2004 में, तो हम लोग का अगर इंटर जोनल अगर मैच होता था, अगर उड़ीसा या झारखंड ऐसे इधर मैच होता था, तो हम लोग ट्रेन में जर्नी करते थे उस टाइम में। तो अभी जर्नी बहुत इजी हो गया, सारे जगह फ्लाइट में 5-star होटल, और होटल भी उतना अच्छा नहीं था, ये लॉजिस्टिक तो बहुत ही इम्प्रूव किया, मतलब 5-star कैटेगरी का लॉजिस्टिक अभी हो गया, और उस टाइम से लेके जो मॉनिटरी आपका बेनिफिशियल जो हुआ वो उसका हाइक उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, उतना हुआ नहीं लेकिन हुआ है, 35 से 60K हुआ वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये 15-16 साल से थोड़ा थोड़ा करके हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आईपीएल आने के बाद ये बहुत पीछे रह गया, मतलब मेरा बोलने का ये है कि ये बहुत पीछे रह गया आईपीएल का, मतलब जो लोग 1.5-2 करोड़ कमा रहा है वो हम लोग का ये डोमेस्टिक खेल के मतलब 4-5 सीजन लग जाता है वो कमाने में, और पूरा इतना साल उसके बाद इंजरी का भी चांस है, अगर कोई प्लेयर अगर इंजरी हो गया उसका भी मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर रहेगा, मैं बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब बहुत लोग ही बोला था अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी अलग होता, तो शायद होगा आहिस्ता आहिस्ता जो इम्प्रूवमेंट जैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, बीसीसीआई जैसा कॉन्ट्रैक्ट करता है प्लेयर के साथ, अगर स्टेट भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरे ख्याल से इंडिया का भी अच्छा होगा, और भी अच्छा प्लेयर, मतलब जो लोग मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग मतलब अभी खेलना स्टार्ट किया है, जो मैं जब खेलना स्टार्ट किया था मेरा क्या उतना कॉन्फिडेंस नहीं था अगर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक दो मैच अच्छा किया फिर मेरा कॉन्फिडेंस आया, मैं ठीक है मैं कर सकता हूँ। अगर ये सब प्लेयर को हम लोग कॉन्फिडेंस देंगे एक हाँ तुम हम लोग का एक हिस्सा हो, तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हो, मतलब वो कम अमाउंट का भी हो लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुल के खेलूं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें कहना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर आप मानो कि जैसे कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सारे एसोसिएशन का कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लाएंगे तो मगर कोई क्रिकेटर अगर वो खेला नहीं मगर पैसे उसको देना ही पड़ेगा, मानो कोई क्रिकेटर अगर कोई खेला ही नहीं एक भी मैच उसको पैसा भरना ही पड़ेगा,
नहीं वो तो आपका क्लॉज में होगा ही ना, अगर वैसे मेरा इच्छा है अगर नहीं खेला ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर कोई इंजरी हुआ अगर कोई दूसरा इमरजेंसी हुआ तब नहीं खेला तो ठीक है। राइट ओके अभिषेक भैया वही कंडीशन की बात एंड बहुत सारी और चीजें जो गेम्स के गेम के एस्पेक्ट की होती है अपार्ट फ्रॉम ऑन द फील्ड कितनी चीजें इंप्रूव की है ओवर द इयर्स। नहीं मैं अपने उससे बताता हूँ कि जब मैंने एज ए ट्रेनी रिपोर्टर ज्वाइन किया था और मैंने जब पहला मैच कवर करने जा रहा था यूपी और रेलवे का मैच था, टीम कानपुर के एक मीरा इन होटल होता था उसमें रुकती थी और बहुत ही टू स्टार या थ्री स्टार टाइप का होटल होता था, खराब कमरे होते थे, खाना अच्छा नहीं होता था, बहुत ज्यादा डीए नहीं मिलता था, लेकिन आज वही टीम कानपुर के फाइव स्टार होटल लैंडमार्क में रुकती है, जहाँ पे जब इंडिया टीम मैच खेलने आती है तो इंडिया टीम भी उसी होटल में रुकती है, कोच और अगर कोच और कप्तान अगर चाहते हैं और अगर अपनी एसोसिएशन से वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको स्वीट रूम भी दिए जाते हैं अगर उनकी एसोसिएशन में अच्छी उनकी पट रही होती है तो, है ना। तो इस तरीके की चीजें है, बहुत सारे सुधार हुए हैं। पैसे हालांकि जो अनुष्ठुप कह रहे थे वो ठीक बात है कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लास्ट जब सीओए था विनोद राय के समय में 2017 या 18 की बात है तब लास्ट इंक्रीमेंट हुआ था मैच फीस में, उसके बाद अब मैच फीस इंक्रीमेंट होने जा रहा है, शायद इस सत्र से ही लागू हो जाएगा कुछ दिनों में, ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो बीसीसीआई इसको लेके बहुत कीन है, जहां तक एग्रीमेंट की बात है उसके लिए स्टेट एसोसिएशन को आगे आना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेट एसोसिएशन का मामला हो जाता है और स्टेट एसोसिएशन इसको लेके कितना गंभीर है ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर स्टेट एसोसिएशन का ही सारा पैसा खर्च होगा। अब स्टेट एसोसिएशन को जो फंड मिलता है साल में 30-40-50 करोड़ रुपए तक का जो फंड मिलता है उसको वो किस तरीके से प्लेयर्स पे खर्च करना चाहते हैं, जैसे मेरी कई एसोसिएशन के ऑफिशियल से बात होती है तो कुछ चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस ले लें सारे प्लेयर्स का और ऑफिशियल्स का कुछ, जिससे जब कोई भी प्लेयर चोटिल हो तो उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा भार ना आए और वो उसका इलाज करा ले, तो इस तरीके के अलग अलग प्लान कई एसोसिएशन में चल रहे हैं, 3-4 एसोसिएशन से मेरी बात होती है तो मैं मुझे लगता है कि आगे ये भी चीजें धीमे धीमे ये भी ठीक हो जाएंगी और इसके लिए एसोसिएशन को अपने क्रिकेटरों से सीनियर क्रिकेटरों से बात करनी चाहिए जिससे सीनियर क्रिकेटर उनको राय दे सके, सीनियर क्रिकेटरों को भी खुलकर बोलना चाहिए जिससे आने वाले जूनियर क्रिकेटरों को कम से कम फायदा हो, तो वो अपने एसोसिएशन को बताएं क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन तक वो बातें पहुंच नहीं पाती या उनको इस तरीके की आइडियाज नहीं होते हैं, तो अगर आप उनको वो आइडियाज कम से कम दे तो सकते हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन करना या ना करना उन ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड करता है। राइट अनुसुदा ये जानना चाहूंगा कि अभी लास्ट सीजन तो कोई क्रिकेट भी नहीं हुआ, शायद होता भी नहीं ये भी आप लोगों को बहुत पहले से पता था, इट वाज क्लियर, तो कैसे खुद को फिट रखा आपने, कैसे मोटिवेटेड रखा, क्या क्या ड्रिल्स किए हैं, ज्यादातर एट होम ही हुआ होगा। हाँ लास्ट ईयर क्रिकेट नहीं हुआ ऐसा नहीं, रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ, बाकी दो टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद हम लोग का क्लब मैचेस था और वेरी डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में मोटिवेट करना और अपना फिटनेस ठीक रखना, मैं लास्ट वन मंथ से फिर से फिटनेस कर रहा हूँ और जब लॉकडाउन हो गया था तो ऑनलाइन सारे फिजिकल फिटनेस का सामान घर पे ही ऑर्डर कर दिया था, उससे ही कर रहा था, लेकिन जो वाइब्स होता है जो ग्राउंड में जाके जो फील होता है वो तो नहीं आता है ना, मतलब जिम में जाके सब दोस्त लोग के साथ एक मतलब टीम के साथ करना एक अलग चीज़ होता है और खुद घर पे करना अलग चीज़ होता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन कुछ कर नहीं सकता, जितना भी अपने आप को मोटिवेट करके फिजिकली फिट रहना होगा और आज तो दे दिया फिक्सचर पूरा एकदम सीजन का कैसा होगा, लंबा सीजन होगा उसके लिए, लेकिन लास्ट ईयर हम लोग जो देखा था कि हम लोग का प्रिपरेशन टाइम बहुत कम था,
हाँ इसलिए थोड़ा बहुत मतलब कोई कोई प्लेयर को इंजरी हो गया था, तो उस हिसाब से मैं भी बोला एसोसिएशन को कि जल्द से जल्द चालू करना है, स्टार्ट करना है, कि प्रिपरेशन का टाइम हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अब लोग का अभी पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि कब से स्टार्ट है, हम लोग को उसके पहले क्या करना है, तो एसोसिएशन भी वैसे ही करेगा। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड लुक फॉरवर्ड टू अ रादर एक्साइटिंग रणजी ट्रॉफी एंड अ डोमेस्टिक सीजन। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ चैट विद यू अगेन। थैंक यू।